नमस्कार, बलिया लाइव के डेली पॉडकास्ट हाल समाचार में आपका स्वागत है। बलिया जिले में क्या चल रहा है, सुनिए लेटेस्ट अपडेट हमारे रेजिडेंट एडिटर कृष्णकांत पाठक से। नमस्कार, बैरिया थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव में पंचायत भवन के निकट गड्ढे में एक 34 वर्षीय युवक का शव पानी में उतराया मिला। उसकी पहचान गुप्तेश्वर पासवान निवासी मधुबनी के रूप में की गई है। मृतक के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। दोगटी थाना क्षेत्र के दोगटी गांव में शुक्रवार को एक युवक ने भिखारी को चाकू से घायल कर दिया। बिहार के गड़खा थाना क्षेत्र के अखड़ा मिल्की गांव के निवासी भोला साई बैरिया थाना क्षेत्र के रकबा टोला में रहकर भीख मांगता था। शुक्रवार को वह दोगटी गांव में भीख मांग रहा था, तभी दोगटी निवासी उसके ऊपर हमला बोल दिया। इसे वह काफ़ी जख्मी हो गया। बैरिया थाना पहुंचकर उसने तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। विद्युत उपकेंद्र दुबहण से संचालित अघोषित विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। 24 घंटे में 12 से 14 घंटे विद्युत कटौती की जा रही है, इससे उपभोक्ता परेशान है। विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात को लोग घरों से बाहर निकलकर समय बिता रहे हैं। बेलहरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसदर पार में मूलभूत सुविधाओं और कोविड वैक्सीनेशन न होने की वजह से छात्र नेता आज़ाद भोला पांडे व सामाजिक कार्यकर्ता सुशांत कुमार पांडे ने सवाल किया तो साहब को अपने कर्मचारियों का नाम तक पता नहीं था। यह अस्पताल पूर्व मंत्री विक्रमादित्य पांडे के पैतृक गांव में बनाया गया है। बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के खराब सड़कों की हालत देखकर तथा नव निर्माण की मांग को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने SDM दुष्यंत कुमार मौर्या को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में शामिल आज़ाद हिंद के संस्थापक सुशांत राज ने कहा कि बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के हालात अनाथ क्षेत्र जैसे हो गए हैं। संगठन के उपाध्यक्ष ने कहा कि इन सड़कों का निर्माण शीघ्र नहीं किया गया तो हम सड़क